कटनी के बरही नगर में श्रेया ज्वेलर्स सराफा दुकान में ग्राहक बनकर दो लुटेरे पहुंचे। दुकानदार शुभम ताम्रकार ने जैसे ही उन्हें सोने के गहने दिखाए, तभी दोनों लुटेरे सोने की झुमकी छीनकर भागने लगे। दुकान संचालक ने शोर मचाया, तभी भाग रहे लुटेरे को दुकानदारों ने दबोच लिया। एक लुटेरे को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा भाग निकला। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में टीआई संदीप अयाची का कहना है कि लूट नहीं चोरी की वारदात हुई है, जिसमें एक आरोपी सलीम खान को दबोच लिया गया है, जिसके कब्जे से सोने की झुमकी और एक मोबाइल बरामद किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी मोनू फरार है। आरोपी शातिर बदमाश है, जिनके खिलाफ सतना के कोलगवां थाना में पहले भी अपराध दर्ज है। सराफा में दो लुटेरों ने सोने की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है, कौन आरोपी हैं, कहाँ के? चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, ये मैयर के दो चोर हैं। पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए एक को पकड़ लिया है और एक मोबाइल और कुछ झुमकी भी बरामद कर ली है, और ये निगरानी बदमाश है मैयर का। इसके ऊपर कोलगवां थाने में भी अपराध दर्ज है। एक और चोर की तलाश है मोनू करके, उसकी भी तलाश की जा रही है। जो पकड़ा गया उसका क्या नाम है? उसका नाम सलीम खान करके है, कोई दूसरा कोई एक और उर्फ में भी दूसरा नाम है। बताया गया है कि लुटेरे सतना जिले के मैहर के रहने वाले हैं। सोने के आभूषण लेकर भाग रहे लुटेरे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल बरही पुलिस पकड़े गए लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बरही से आनंद शराफ की रिपोर्ट।